सलमान खान की जब भी कोई बड़ी मूवी अनाउंस होती है सबसे पहले उसकी कास्टिंग की बात आती है, बिकॉज सलमान खान की मूवी में बाकी कास्ट को काम करने के लिए ज़्यादा फुटेज नहीं मिलता, इसलिए बड़े बड़े एक्टर सलमान खान की मूवी से बचते हैं। सलमान खान की मूवीज़ पर आप गौर करेंगे, उनकी हीरोइनें और बाकी जो विलन होते हैं बहुत ही छोटे किरदार के होते हैं। रणदीप हुड्डा, सोनू सूद, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे लोग होते हैं, बड़े बड़े विलन उनके सामने नहीं आते, इसलिए सलमान खान कई बार क्रिटिसाइज भी होते हैं, बिकॉज उनकी मूवी जय हो, ट्यूबलाइट और यहाँ तक कि उनकी जो दूसरी फिल्में हैं वहाँ पर हीरो और विलन के नाम पर बहुत ही हल्की फुल्की जोड़ी होती है। बहरहाल सलमान खान के सिकंदर को बहुत ही बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है और इसके विलन को लेकर एक तगड़ा खुलासा हुआ है। सबको अभी तक ये लग रहा था सलमान खान की इस मूवी का जो विलन होगा वो साउथ इंडिया से बिलोंग करता होगा, बट पूरी थ्योरी रॉन्ग साबित हुई और इस बार ए आर मुरुगदास ने सलमान खान के अपोजिट जिस एक्टर को विलन के तौर पर खड़ा किया है उनका नाम है प्रतीक बब्बर, जो कि बॉलीवुड में कई सारी फिल्मों में हीरो का रोल कर चुके हैं और स्मिता पाटिल के बेटे हैं। बहरहाल सलमान खान के सिकंदर की शूटिंग फुल थ्रॉटल जारी है और टोटली एक्शन सीन्स को पहले शूट किया जा रहा है और सलमान खान की इसी एक्शन सीन को सपोर्ट करने के लिए उनके खिलाफ खड़े होंगे प्रतीक बब्बर, जिनको बहुत ही डेविल अवतार में पेश करने की तैयारी चल रही है। वैसे भी यार मुरुगदास की फिल्मों के जो विलन होते हैं बहुत ही साइको एंड ब्रूटल होते हैं, फिर चाहे आप गजनी देख लीजिए, हॉलीडे देख लीजिए या फिर आने वाली मूवी सिकंदर, सारे विलन बहुत ही डिफरेंट टेम्परामेंट के होते हैं और प्रतीक बब्बर को भी बहुत डिफरेंट टेम्परामेंट के साथ पेश किया जाएगा। अभी कहा जा रहा है कि जो भी सलमान खान का ताज लैंड एंड बांद्रा में शूट हो रहा है एक्शन सीक्वेंस वो प्रतीक बब्बर के साथ शूट हो रहा है, जो कि चित्रकूट ग्राउंड्स के अंदर होगा। इस सीक्वेंस में बहुत बड़े बड़े प्लेन, स्पेशली क्रिएटर एक्सटीरियर सेट भी शामिल होंगे, जो कि VFX के जरिए सच्चाई के तौर पर पेश किए जाएंगे। और इसके बाद जो ताज लैंड एंड का सीन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद टीम कम से कम 1.5 महीने के ब्रेक के बाद फिर अगला सीन शूट करेगी। उसके लिए प्रॉपर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा नए सेट का, जहां पर SRPF ग्राउंड गोरेगांव की जगह को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको करीब 45 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। यानी सिकंदर बड़े स्केल को कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर टाइम ले रही है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से अपने शेड्यूल को आगे बढ़ा रही है। टीम चाहती है कि जल्दी से सारी मूवी की शूटिंग कर ली जाए, वरना मानसून सीजन से सारा सेट खराब हो सकता है। बहरहाल सलमान खान सिकंदर में अपने चिरपरिचित अंदाज में लौटने वाले हैं, ऊपर से साउथ का तड़का है। ये साउथ का वही कनेक्शन है सलमान खान का जो उनको वांटेड जैसी फिल्में देता है। अब सलमान खान को वांटेड वाले फीवर में पेश करेंगे मुरुगदास, जो बॉलीवुड के स्टार्स को ऑलरेडी गजनी और हॉलीडे दे चुके हैं। अब लगता है सिकंदर देख के मुरुगदास सलमान खान को फिर से कमबैक कराएंगे, बिकॉज सलमान खान की करीब 2-3 पुरानी फिल्में बहुत अप टू मार्क परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। अब सारी उम्मीदें बॉलीवुड के सिकंदर से हैं और लगता है इस बार जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।